बात का इतना गुस्सा आनंदी की माँ? क्योंकि आप हमारी छोरी पर जरा भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे लेकिन ध्यान नहीं देने जैसी कौन सी बात हो गई? अब जानते हैं गांव में क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारी छोरी छोटी है और भोली भी, जरा भी बहक गई तो क्या करेंगे हम लोग? ओहो, तू बेकार की चिंता कर रही है। हमारी बेटी छोटी सही पर बड़ी होशियार है, सयाणी है। और देख, तूने उसको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। हमारे दिए हुए संस्कार कोई गलत काम करने नहीं देंगे उससे। हमारी छोरी भली है लेकिन जमाना तो बुरा है ना। अरे लेकिन ये बात उसको समझाएंगे कैसे, बोल। देख अभी आनंदी की उम्र नहीं है दुनियादारी समझने की। इतना कड़क ना हो उसके साथ, आजादी के साथ खेलने दे उसको। सुन मेरी बात, गांव ना होने तक है वो मैके में, उसके बाद तो चली जाएगी सासरे। जानती हूँ चली जाएगी, लेकिन सणगत का असर भी तो होता है। लक्षण अच्छी है उस चंपा के, रोती रहती है उसकी माँ। सख्ती से बरत भी नहीं सकती, सौतेली है ना, ऊंची आवाज में बात करेगी तो सब उसी के पीछे पड़ जाएंगे। चिंता हो रही है हमारे को आनंदी की, उस चंपा की। चिंता ना कर, हमारी बेटी बहुत बड़ी है, उसके साथ सब बड़ा होगा। वाह, तेरे जैसी स्वादिष्ट रबड़ी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। अगर आंखें बंद करके भी खाऊं ना तो भी पहचान लूंगा कि तूने बनाई है। हाँ लेकिन वो मावे की जलेबी बनाना तू अभी तक नहीं सीख पाए। याद है कितने प्यार से बनाई थी तूने, और खाने के बाद पेट दर्द के कारण वैद्य जी के कितने चक्कर काटने पड़े थे। एक बार जलेबी के हिसाब में गड़बड़ क्या हो गई, अब क्या जिंदगी भर ताना देंगे मुझे। माँ, माँ ताई जी को बहुत दर्द हो रहा है और वो बहुत तड़प रही है। हे भगवान, माँ साहब को बताया? डैडी से ताऊ जी कोई भी घर पर नहीं। माँ सुनिए, चम्मा जी की हालत ठीक नहीं लग रही, दर्द से करहा रही है वो। आप डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बात समझने की कोशिश कीजिए, इतना दर्द हो रहा है तो जरूर कोई बड़ी समस्या होगी। कमजोरी की हालत में भी मासा ने बहुत काम करवाया है जमुना जी से, उनका शरीर सहन नहीं कर पाया होगा, अब डॉक्टर ही कुछ कर पाएगा। अरे सातवां महीना चल रहा है, डॉक्टर आकर क्या कर लेगा? ये जचकी का दर्द लग रहा है मुझे, बच्चा समय से पहले ही आ जाएगा। आप मेरी बात मानिए, डॉक्टर को बुला लीजिए। हजार अब भी है तेरे ऊपर, कब देगा? अगली फसल को दे दूंगा माजी साहब। देख तेरा रोना धोना देख के ब्याज तो माफ कर दिया मैंने, लेकिन मूल भी बखत पे नहीं दिया ना, तो आगे से उधारी लेने मत आना मेरे पास। चल बेटा बसंत, ये रखे। हालत नाजुक है, अगर इनकी जान पर कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं तो एक मिनट की भी देर करे बगैर जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। अस्पताल? घर में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं जो एक हॉस्पिटल में मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन लेकिन मासा को बताए बिना हम भाभी साहब को अस्पताल कैसे लेके जा सकते हैं? देर करना ठीक नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें डॉक्टर साहब।
आराम से, आराम से। जल्दी से। देख, माँ सा और भाई सा आएंगे ना तो तू उनसे कह देना कि हम लोग तेरी ताई जी को लेकर अस्पताल गए, बोल देगा ना तू? की बात टालने की कसम खा रखी है कि तूने भैरों उससे भी बड़ा हो गया, फिर घरवाली के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रही तेरी? मां सब भाभी सा दर्द से छटपटा रही हैं। आप जाइए यहां से। मासा, डॉक्टर साहब का कहना है कि भाभी सा को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। कोई कहीं नहीं जाएगा भैरव, अपनी बहू का इलाज किसी डॉक्टर से नहीं कराना हमारे को। अरे इनकी जान को खतरा है। आप क्या भगवान हो है? अरे हमारी बहू के नसीब में होगा तो आपके बिना भी बच जाएगी, है कि नहीं? और जो नहीं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ये तो बावरे हैं जो आपको बुला लिया। अब मैं आ गई हूँ, हरा बड़ा लड़का आ गया है, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। अरे इन्हें अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। हमारी बहू अस्पताल नहीं जाएगी, सुन लिया? अब आप जाओ यहाँ से, जाओ। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब, अपमान नहीं करना चाहते हम आपका, लेकिन अगर आप इसी तरह अपनी बात पर अड़े रहे ना तो धक्के मार के निकाल देंगे आपको यहाँ से। कदम घर से बाहर निकाल ही नहीं कि अपनी मनमानी करने की आजादी मिल गई तुम दोनों। चम्मा बिंदड़ी, अरे तू चल अंदर चल। अरे इनकी बात मत सुन, कुछ ना आए इन्हें। अरे बच्चा जन्ने वाली तू कोई पहली औरत थोड़ी है। चल 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 अंदर चल के आराम कर, ले जाना इसे अंदर। चल चल नैन मटक्का बाद में कर लेना, पहले इसे अंदर ले जा। सुगना मुंह मत देख, फौरन जा, जाके मीठी दाई को बुला के ला, जल्दी कर जल्दी। मेरे घर वाले मुझे जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे।